बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बहीदाना या सफ़रे जल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहीदाना या सफ़रे जल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके बेनिफिट्स और इसका तरीका इस्तेमाल। अगर आप भी इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बही को अरबी में सफ़रेजल, हिंदी में बही और बंगाली में बहीदाना, जबकि इंग्लिश में इसको क्यूनिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही लजीज और खुश जायका फल है। हिंदुस्तान, कश्मीर, पंजाब, जबकि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, मरी, सवात, गिलगत और मर्दान में बाकसत पाया जाता है। इसका फल जून जुलाई में पक जाता है, बट पाकिस्तान में ये सितंबर और अक्टूबर में दस्तयाब होता है। इसका मिजाज सर्द होता है और इसकी खुराक की मकदार 25 से 60 ग्राम होती है। इसकी खुशबू जो होती है काफ़ी अच्छी और तेज़ होती है। बहीदाना या सफ़रेजल, इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। जैसा कि मुख्तलिफ़ रवायात और अहादीस से ये बात भी साबित है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल का हुक्म फरमाया है कि सफ़रे जल खाएं, ये दिल की तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है और दिल को मजबूत करता है। तो इस लिहाज से ये फल या इसका मुरब्बा दिल के मरीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियों का बताया गया है इसी फल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम साइंटिफिकली बात करें इस फल की, तो बहुत कमाल का फल है ये। बही का जो एक फल है इसका वेट 92 ग्राम होता है, एवरेज वेट एंड जस्ट 52 कैलोरीज होती हैं और कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 मिलीग्राम होता है। इसके अंदर टोटल फैट 0.1 मिलीग्राम और इसके अंदर सैचुरेटेड फैट, जो कि हमारी बॉडी में बुरी फैट होती है, वो भी 0 मिलीग्राम होता है। इसके अंदर प्रोटीन 4 ग्राम पाया जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम यानी 1400 मिलीग्राम और डाइट्री फाइबर जो है वो 1.7 ग्राम। अब आप इमेजिन करें कि जो जो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है वो कितनी है इसके अंदर, और जो जो चीज़ आपकी सेहत के लिए बुरी है वो कितनी है इसके अंदर। और ये साइंटिफिकली प्रूवल बात है। सोडियम आपकी बॉडी में, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जो दिल के मरीज़ होते हैं इनके लिए ठीक नहीं होता, वो इसमें जस्ट 3.7 मिलीग्राम होता है। और वहीं पे दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, जो कि पोटेशियम बहुत अहम चीज़ है, वो 181.2 मिलीग्राम है। और नेक्स्ट विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है, वो इसमें 23% है। आयरन इसमें 3% है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अहम है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम 1% पाया जाता है। इसके ब्रेकडाउन से पता चला है कि इसकी जो कंपोजिशन या न्यूट्रिशन है और इसकी जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो भी आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ऐसे ही अगर बात करें कि इसमें मौजूद फाइबर का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या विटामिन्स का, वो जितनी आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, वो इसमें मौजूद हैं। विटामिन सी और फाइबर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। कैसे? विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जनरली ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों और जरासीम के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसी तरह जो फाइबर है ये आपकी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है और इसके साथ साथ आपके पेट की तमाम बीमारियों को दूर करता है। अल्सर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है एंड वो लोग जिनको एक ख़ास किस्म की तजाबियत या सीने की जलन का प्रॉब्लम है इनके लिए भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनमें जो उल्टी मतली का कॉमन इशू होता है, अगर बही का मरबा इस्तेमाल किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह दिल के मरीजों, अल्सर के मरीजों और पेट के मुख्तलिफ बीमारियों के लिए फ़ायदा मंद है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कम होता है और पोटेशियम की मकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है या सूजन है तो इनके लिए भी ये बहुत कारामद चीज़ है। इसी तरह एलर्जी के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, हमारी स्किन और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। हर लिहाज से दुनिया का ये बेहतरीन फल है।
ये थी बहीदाना या सफरे जल की इंफॉर्मेशन और बंडल ऑफ बेनिफिट्स। अब हम बात कर लेते हैं बहीदाना के मुरब्बा के इस्तेमाल की। वैसे तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, लेकिन इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप इसको रात भर के लिए पानी में मिट्टी के गिलास में भिगो के रख दें, सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें, तो ये आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहें उसे रात भर के लिए मिट्टी के गिलास में सोप करके रख दें और सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें। सो वीवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।